वेलकम बैक फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स जनवरी 2022 का ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं वो दोनों पार्ट, तो प्लीज आप इस वीडियो को देख लेना। उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो काफी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सा डेट है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी। नेक्स्ट है, भारत में हर साल किस तारीख को सेना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मेट है हमारा वो बीपीएससी का फॉर्मेट है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। वो हर जो भी एग्जाम रहता है दोस्तों, 5 ऑप्शन देते हैं, जिसमें जो 5वां ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी कंफ्यूजन वाला होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हर साल किस तारीख को सेना दिवस मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत के सभी 100 स्मार्ट शहरों में डेटा दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? भारत के सभी 100 स्मार्ट शहरों में डेटा दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी, 21 जनवरी, ठीक है, 21 जनवरी को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, एनडीआरएफ स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? 17 जनवरी, 16, 18 या 19 जनवरी? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। दोस्तों, फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 जनवरी, ठीक है। एनडीआरएफ दिवस 19 जनवरी को मनाया जा रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, वार्षिक बीटिंग द रिट्रीट समारोह किस तारीख को होगा? जो एनुअली होती है बीटिंग द रिट्रीट समारोह, वो किस तारीख को होगा? दोस्तों, फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जनवरी, 29 जनवरी, ओके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस, सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? फ्रेंड्स, सिर्फ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जनवरी को। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे डेज दोस्तों, इसमें मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ डेज ही रखा है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट डेट जो जनवरी का है, उसके बाद में करंट अफेयर कुछ इवेंट्स है उसका भी क्वेश्चन मैंने रखा है, तो आप कृपया ध्यान रखें, ठीक है, और स्किप ना करें वीडियो को, देखते रहें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी, 11 जनवरी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय युवा दिवस, यूथ डे, किस दिन मनाया जा रहा है दोस्तों? 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अनिवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे जिसको कहते हैं आप, किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, एनआरआई को लेकर के मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने उसे नहीं देखा जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो जो एनआरआई डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9th जनवरी, ओके, 9th जनवरी। किनकी याद में मनाया जाता है दोस्तों? महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है, काफी डिटेल मैंने बताया है उसमें, आप उस वीडियो को जरूर देखना फ्रेंड, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पीएम मोदी ने 2022 से किस दिन को सालाना वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 2022 से, यानी कि जो दिसंबर महीना आएगा दोस्तों, या फिर 2022 का जो भी महीना आएगा, उस कौन से दिन को ऐसा बनाया गया है जो कि सालाना हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा? दोस्तों, 10th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 दिसंबर, ठीक है। दिसंबर महीने के 26 तारीख को हर वर्ष अब 2022 से, ठीक है, अभी एक बार ही नहीं मनाया गया है, अब 2022 शुरू हुई है, 2022 के दिसंबर से ये जो दिवस है मनाना शुरू किया जाएगा, ठीक है, सालाना वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विश्व स्तर पर हर साल किस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 6 या फिर 8 जनवरी? दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस के ऊपर भी मैंने वर्ल्ड हिंदी डे के ऊपर भी वीडियो बनाया है, उसका भी उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दिया हूँ नीचे में डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने उसे नहीं देखा जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, 11th का ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी, ठीक है। हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, 9 जनवरी को मनाया जाता है एनआरआई दिवस, 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे हमें, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण को किस विशेष दिन के थीम के रूप में घोषित किया गया है? आप ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है।
सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ये क्या है? ये यहाँ पे आपको दिया गया है, यहां से लेके यहाँ तक, ये थीम का नाम है, ठीक है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण को किस विशेष दिन की थीम के रूप में घोषित किया गया है? पांच ऑप्शन देंगे दोस्तों। राइट आंसर टेबल का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करते चलेंगे। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? दोस्तों 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 जनवरी को, ठीक है, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, आईसीसी महिला विश्व कप कब शुरू होगा? आईसीसी महिला वर्ल्ड कप कब शुरू होगा? 14th का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, ठीक है दोस्तों। 15 फरवरी, 5 मार्च, 1 मार्च, 3 अप्रैल, चारों के चारों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। इसमें जो असली ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, वो हो जाएगा आपको दोस्तों 4th, ठीक है, यानी कि हर साल 4 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च, 5 मार्च नहीं, 4th मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रूफ में से कोई नहीं, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विश्व भर में प्रति वर्ष किस दिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस दोस्तों 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी, 4 जनवरी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, विश्व परिवार दिवस का विषय क्या है, थीम क्या है इसका, वर्ल्ड फैमिली डे का? पांच ऑप्शन देंगे दोस्तों, राइट आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, वन डे इन पीस, ठीक है, वन डे इन पीस, ये थीम है वैश्विक परिवार दिवस का, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका उड़ान परीक्षण किया गया था, वो किस देश में विकसित किया गया, डेवलप किया, कहाँ किया गया? इसराइल में, फ्रांस में, भारत, यूएसए, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? दोस्तों 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत, ठीक है, भारत अभी भी किसी से पीछे नहीं है, ठीक है ना। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया कहाँ पे, इसको जो डेवलप किया गया दोस्तों वो इंडिया में किया गया है। अगला सवाल है 18 का, एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार 2021 में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में यूपीआई लेन देन राशि का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा बैंक है? मतलब अक्टूबर से दिसंबर महीने की जो तिमाही थी उसमें यूपीआई के द्वारा लेन देन में सबसे ज्यादा लेन देन यूपीआई के थ्रू कौन से बैंक में हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर ऑप्शन नंबर ई? दोस्तों 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा काफी लेन देन किया गया है यूपीआई, ठीक है, यूपीआई लेन देन, ठीक है ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, 2022 महिला हॉकी एशिया कप में भाग लेने वाली भारतीय महिला टीम के कप्तान के रूप में किस खिलाड़ी को नॉमिनेट किया गया है? दोस्तों 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविता पुनिया को, ठीक है, सविता पुनिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सविता पुनिया। अगला सवाल है, समाचारों में देखा गया है PARAKH पराग किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ पोर्टल है, एक वेब पोर्टल है पराग, ये किस एरिया से जुड़ा हुआ दोस्तों? सीमा शुल्क निकासी, छात्र सीखने की आकलन, निवेश सलाह, रक्षा अधिकरण, या फिर से कोई नहीं, एक से अधिक? दोस्तों 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये लर्निंग को लेकर के है, छात्र सीखने का आकलन, ठीक है, लर्निंग एप्टीट्यूड को लेकर के ये पोर्टल बनाया गया, इसका नाम है पराग, ठीक है, PARAKH पराग, ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड किया गया है? व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड किया गया है, किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदल दिया है दोस्तों? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यस म्यूचुअल फंड, ठीक है, यस बैंक, आपने सुना होगा दोस्तों, यस बैंक का ही है यस म्यूचुअल फंड, उसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है, क्या कर दिया गया है? व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल किस शहर में स्थित है? चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली? दोस्तों 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 को, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट TRP, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट सेवाओं को मजबूत करने के लिए गठित कार्य समूह का प्रमुख कौन है? ठीक है, यानी TRP के प्रमुख के नाम बताने हैं आपको। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शशि शेखर वेमपति, ठीक है, शशि शेखर वेमपति जी हैं TRP के प्रमुख, ठीक है।
टीआरपी जो आपकी रेटिंग होती है ना, जो एडवर्टाइज आते हैं टीवी में, हर सीरियल्स मूवीज या फिर जो भी टेलीविजन पे आती है, ठीक है ना, न्यूज वगैरह में, तो उसकी जो टीआरपी रेटिंग होती है उस अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट में पैसे मिलते हैं लोगों को, ठीक है। टीआरपी ज्यादा होने पे जो सीरियल्स या फिर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, टीवी कार्यक्रम होते हैं, टेलीकास्ट होते हैं, उन पे काफी असर पड़ता है, और उनका बिजनेस कैसे आगे बढ़े ये टीआरपी की ही लेन देन होती है, ठीक है ना। टीआरपी की वजह से इसका जिसकी टीआरपी ज्यादा होगी उसका पावर, उसका वैल्यू ज्यादा होगा, उससे एडवर्टाइजर ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो दोस्तों ये जो उसके जो प्रमुख है वो है शशि शेखर वेमपति। अगला सवाल है, तस्नीम मीर भारतीय विश्व के नंबर वन खिलाड़ी बनी, वह किस खेल से जुड़ी हुई है। तस्नीम मीर भारतीय विश्व की भारतीय एक भारतीय है तस्नीम मीर, जो कि वर्ल्ड के नंबर वन खिलाड़ी बनी है, किस खेल से जुड़ी हुई है। 24 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं सही है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों इसका नाम होना चाहिए, कौन सा खेल का नाम है दोस्तों, तो वो है बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन है, बैडमिंटन से जुड़ी हुई है कौन, तस्लीम मीर, जो कि इंडियन है और विश्व के नंबर वन खिलाड़ी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय कंपनी ने केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 निवेश मंच के साथ हाथ मिलाया है। कौन सी इंडियन कंपनी है जो केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए अफ्रीका 50 निवेश मंच के साथ हाथ मिलाया, एमओयू किया, ठीक है। पांच ऑप्शन देंगे दोस्तों, 25th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ उसने हाथ मिलाया है, ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से किसने 2022 इंडिया ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है। 226 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है, ये दो लोग हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, गिफ्ट सिटी में पहला बिटकॉइन और ईटीएफ लॉन्च करने के लिए किन कंपनियों ने इंडिया आईएनएक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पांच ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, वीडियो को पॉज करके दोबारा से सारे सवाल को पढ़ सकते हैं, सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है आपको। 27 का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, यानी कि ये चारों के चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई राइट आंसर है दोस्तों। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होना चाहिए, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स, इसके चारों ऑप्शन गलत नहीं है, इसके दो ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों इसमें किसी एक ऑप्शन को अपने लगा सकते हैं, ए और बी इसका दोनों सही होगा, इससे इनमें से ऑप्शन नंबर ये जो है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक ये जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही है और ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन के हिसाब से सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अभी मैं कंफ्यूज हो गया था, ध्यान रखना है आप लोगों को भी, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह के सवाल जो आते हैं, और जो ये जो ऑप्शन नंबर ई है ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है आपको, अगर इनमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है तो भी आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, अगर इसमें एक से अधिक ऑप्शन आपके सही है तो भी आपका ऑप्शन नंबर ई ही आंसर सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पर आपको काफी ध्यान रखना है, और आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28 को, ग्राहकों को 3-in-1 बचत खाते की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विस के साथ साझेदारी की है। 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को, आईओए ने एशियाई खेलों 2022 के लिए भारत के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आईओए, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, फ्रेंड्स आईओ ने एशियाई खेलों के लिए 2022 के लिए भारत के सेफ्टी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र सिंह बाजवा दोस्तों। आईओए का फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, आईओए का फुल फॉर्म इंडियन, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है क्वेश्चन 30, आईओए ने यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने राष्ट्रमंडल खेलो यानी कि जो 2022 के लिए है उसके भारत के सेफ्टी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया है। ये दोस्तों हमने देखा एशियाई खेल 2022, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022, इन दोनों में अंतर है, ठीक है, तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने दोनों सवाल आपके सामने एक ही साथ रखा है। 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राकेश आनंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी
राकेश आनंद। आप कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, आप फिर से वीडियो का पॉज करके दोनों सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, किस देश ने केप कैनावेरेल संयुक्त अमेरिका से अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? पांच ऑप्शन देंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका, ठीक है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, भारत के सभी 100 स्मार्ट शहरों में डेटा दिवस किस तारीख में है? दोस्तों वीडियो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी रखा है, अगर आपको याद होगा दोस्तों तो आप प्लीज कमेंट करके बता देंगे। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जनवरी, ठीक है, डेटा दिवस 21 जनवरी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक कर दे प्लीज, क्योंकि दोस्तों जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी लगता है, पता चलता है कितने लोग हैं जो इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उनको पसंद आ रही है, तो मैं इस तरह के और भी वीडियो आगे इन फ्यूचर डालता रहूंगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? नेशनल जो स्टार्टअप जो अवार्ड है 2021 का, सबसे अधिक पुरस्कार किस स्टेट ने जीता है? 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका ने, ठीक है, कर्नाटका ने, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। अगला सवाल है, वार्षिक बीटिंग द रिट्रीट समारोह किस तारीख को होगा? वार्षिक जो एनुअल होता है बीटिंग द रिट्रीट, क्वेश्चन मैंने दोस्तों पहले भी रखा है आपके सामने, तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29 जनवरी को, 29 जनवरी को, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने शुरू में रखा था, आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैंने शायद गलती से दूसरी दोबारा इस सवाल को रख दिया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 जनवरी, ओके। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35, इन्फिनिटी ब्रिज जिसे हाल ही में सार्वजनिक यातायात के लिए खोला गया है वो किस शहर में बनाया गया है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, काठमांडू में, नई दिल्ली में, या फिर ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों 35 का आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई, दुबई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका दुबई, ठीक है, दुबई में इन्फिनिटी ब्रिज बनाया गया है और इसे साधारण तौर पर खोल दिए, ओपन कर दिया गया आम पब्लिक के लिए, ओके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, और दोस्तों जहां तक हो सकेगा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे आप शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा सके, उन्हें भी इसका फायदा हो। माशा लगातार बनकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज आप वेट कर लें, थैंक यू।